हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द मिडनाइट गेमर। एंड गाइस, करेंटली ना मैं ज़ेफो नाम के प्लैनेट पे आ चुका हूँ एंड यहाँ मुझे तलाश है आई ऑफ द स्टॉर्म की। बिकॉज गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे ना एक सीक्रेट चाबी हो सकती है जिसे यूज करके मैं बोगानो का सीक्रेट वॉल्ट अनलॉक कर सकता हूँ एंड उसके अंदर मुझे वो चीज़ मिल जाएगी गाइस जिससे ना मैं जेडाई ऑर्डर को वापस रीबिल्ड कर सकता हूँ। एंड गेम का ना मेन ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली वही है। तो गाइस, यहाँ से लेट्स कंटिन्यू आवर गेम एंड मैं सीधे सही रास्ते पे जा रहा हूँ एंड एक चोमू खड़ा है, इसको सीधा आते साथ ही मार खाएगा ये। तो गेम की शुरुआत हो चुकी है एंड ये ना एक न्यू टाइप का ट्रूप है। देखते हैं, BD1 ने इसे स्कैन कर लिया है। इसका नाम हैवी असॉल्ट ट्रूपर। चल ठीक है भाई, तू हैवी हो कि कुछ भी हो, मार तो फिर भी खाएगा। एंड यहाँ पे मुझे काफी सारे और लोग दिखाई दे रहे हैं बट रास्ता वहां से जाना ही नहीं है क्योंकि मैप चेक करना ना भाई बहुत ज्यादा, ओ भाई मैप चेक करना जरूरी है बट मैप पे ना एनिमीज नहीं दिखाई देते। ये तो मशीन गन चला रहा बदतमीज। आजा आजा आजा, अटैक कर। समझा मैं, इसका ना एक कूल डाउन पीरियड है। चल हट, अब हो गया तेरा। ये पीछे कहाँ जा रहा है? देख रहे हो गाइस, बदतमीजी करके पीछे जा रहा है। ओके लेट्स गो। लग तो रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ बट बार बार मैप चेक करना बहुत जरूरी है गाइस क्योंकि भटकने के ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऊपर से मैप में ना यार कई सारे लेवल्स हैं तो ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है गाइस कि मैप का एलिवेशन क्या है एंड मैं कौन से लेवल पे मौजूद हूँ अभी के लिए। वैसे गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले एपिसोड में मैं जब बोगानो नाम के प्लैनेट पे था ना तो मुझे एनो कॉल्डोवा का सीक्रेट मैसेज पता चला था जिसमें वो ये बताता है कि मुझे ज़ेफो के प्लैनेट पे जाना है एंड इसीलिए गाइस मैं ज़ेफो के प्लैनेट पे आ चुका हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ पे इंपीरियल आर्मी भी मौजूद है तो वो एक सैड चीज हो चुकी है बिकॉज मुझे लगा था यहाँ पे बस अजीबो गरीब एलियंस होने वाले हैं बट ऐसी बात नहीं है। राइट साइड, एक न्यू शॉर्टकट मैंने अनलॉक कर लिया वापस रास्ते में जाने के लिए बट मैप क्या भाई, रॉकेट लॉन्चर एंड एलियन बदतमीज, तू भाई सोच रहा भी मत चलाने का। अच्छा देख रहे हो गाइस कैसे उछल रहे लोग। बट सही है, इसी के साथ मुझे एक स्किल पॉइंट मिल चुका है। वापस अंधेरा तो लाइट सेबर की रोशनी से मैं आगे सब कुछ इल्यूमिनेट करके आगे जाऊंगा। In accordance with the Emperor's will, we have occupied Zepho, redistributing its inhabitants. This planet has failed to yield significant data or relics for Project Augur. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous fauna. We will not be able to fulfill our directive here. It is my recommendation that we disband the project and leave a token outpost to keep scavengers from stealing our technology. अच्छा गाइस, तो यहाँ पे ना एक रिकॉर्डिंग थी एनिमी इंपीरियल आर्मी की एंड वो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे वो जो भी तलाश करने आए थे उन्हें वो ये चीज मिली नहीं है तो इसलिए उन लोगों ने ना बस थोड़ी सी बैकअप आर्मी यहाँ पे रख के गए बिकॉज जो भी इन लोगों ने रिसर्च किया ना वो किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो दैट मीन्स गाइज, जो भी एनिमीज से मैं फाइट कर रहा हूँ ना वो एक्चुअल एनिमी की आर्मी नहीं है, वो बस कुछ सोल्जर्स है जिनको यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा गया था। आजा। और ये पीछे से मार कभी मत करना नहीं तो स्लो मोशन में मार खाएगा। डन। ये एक नया ट्रूप था, स्काउट ट्रूपर कमांडर, बट इतना कुछ खास नहीं था तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं उसे। जब कोई तगड़ा एलियन या एनिमी आएगा ना तो उसको देखेंगे यार उसकी वीकनेस क्या है ये पता करने के लिए। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक ट्रैप्स हैं, फोर्स का यूज करके मुझे यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। बट एक बार पैटर्न समझते हैं, फर्स्ट वाला तो ईजी है, सेकेंड वाले के लिए ना
क्रॉस करके सामने जाना है एंड ठीक है। कमान 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 बचा। नाइस वन। यहां पे तो और भी ट्रैप्स है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। भाई चटनी बन जाऊंगा मैं अगर यहां से सही से भागा नहीं ना। नाइस, वॉलरन का सही इस्तेमाल। एक स्किल पॉइंट आ चुका है, बट अब मैं सोच रहा हूं ना गाइस थोड़े और स्किल पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता हूं, अभी अपग्रेड नहीं करता हूं, तब बड़े बड़े अपग्रेड्स अनलॉक कर पाऊंगा। थैंक्स। वैसे मेरी फ्रेंड सैर का कॉल आ चुका है और उसने कहा है कि भाई जल्दी जल्दी कर, एनिमी ट्रूप्स बढ़ते जा रहे हैं। आजा मार, रिबाउंड, आजा तू भी आजा। ये लोग भी खतरनाक ब्लॉक करते हैं लेकिन। Come on, come on. चल ब्रो। मैं ना भाई एज के बहुत ज्यादा पास हूं, मैं खुद भी गिर सकता हूं। इसको ना सेंटर पे बुला लेता हूं। इधर आ, इधर आ, यहां पे लड़ेंगे भाई, आजा। देखते तेरे में कितना दम है, आजा। बस नाइस एक्शन मूव। लेट्स गो भाई। अबे ओबे ये क्या बदतमीजी है यार, ये तो बहुत ही फास्ट जा रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, यहीं से मैं कंट्रोल कर लेता हूं, ब्रेक लगाना चालू। ओके नाइस वन नाइस वन नाइस वन। स्विंग 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 स्विंग। नॉट सो इजी, नॉट सो इजी, नॉट सो इजी यार, इतना स्लिपरी है ना ये आइस, मैं बता नहीं सकता। बट ठीक है, एक बार में कर लिया है क्लियर, पता चल जाता है पैटर्न एक बार फेल होने के बाद। व्हाट डू दे नो? नो मेंशन ऑफ कोर्डोवा। आई डोंट थिंक द एम्पायर नोस ही हैज बीन हियर। देन वी हैव द एडवांटेज फॉर नाउ। कितने गंदे तरीके से भाई स्लिप किया था ना मैं आइस से अच्छा हुआ किसी स्टॉर्म ट्रूपर ने देखा नहीं, तो गंदी बेइज्जती हो जाती मेरी बे। नो ब्रो, नो 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 नो, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। और एक यहां पे ना ये एलियंस लोगों के होल्स है, देख रहे हो, यहीं से वो निकल रहे हैं। Interesting. We're on the right track. ठीक है, सही तो जा रहा हूँ, because guys ये जो symbol नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये शायद Zepho civilization का ही है, and मैं उन्हीं के ruins को locate करने की कोशिश कर रहा हूँ इस planet पे. Okay, let's go. आराम से, बहुत बढ़िया. Can't get through. PD1 ने ना यहाँ पे scan किया guys. एंड वो बता रहा है कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मैप में भी ये चीज रेड मार्क की गई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से नहीं बढ़ सकते, पीछे जाते हैं। There's a storm up ahead. Something about it crippled the Empire's equipment. I can feel something pulling me there, beyond the storm. Follow it. Let the force sharpen your instinct. सही है। तो गाइस यहाँ पे ना सामने एक खतरनाक स्टॉर्म दिखाई दे रहा है, एंड यहीं पे मुझे पहुंचना था। एंड ऐसे भी गाइज वी ऑलरेडी नो कि कैल जो है ना, जो कि मेरा मेन कैरेक्टर है, उसके पास एक ऐसी फोर्स की पावर है जिससे वो दूसरे फोर्सेस को फील कर सकता है एंड अब्सॉर्ब कर सकता है, तो उसे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस हो रहा है उस तरफ, तो वहीं जाना है मुझे।
उतरने का रास्ता कहाँ है? सीधा जाते चलो। इस प्लैनेट के कुछ एलियंस दिखाई दे रहे हैं। रुक जा। टॉर्च। और एक। नाइस टॉर्च। इसको फोर्स से स्लो डाउन करके अटैक। अबे बहुत सारे आ गए। सही। Another one of these. I wonder if they connect. एक और ज़ेफो सिविलाइजेशन का ना सिंबल दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ ये तो श्योर हो चुका है। एक बार मैप चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। Don't fall behind, BD1. ना जाने यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, बट ऑब्जेक्टिव यहीं से है तो जाके तो रहेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। प्लेस वैसे काफी खतरनाक लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे अभी तक कोई भी आया है। एनिमी आर्मी भी दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। Never seen a storm do that before. ओ, भाई यहाँ पे स्टॉर्म ना काफी तगड़ा चल रहा है। अगर मैं अपने फोर्स को यूज करके इसको स्लो डाउन कर पाया तो सही होगा। लेट्स ट्राई। नाइस, भागो। ये ना किसी टाइप की सीक्रेट लिफ्ट है गाइस। I believe this to be the earliest Zepho site we've uncovered yet, despite my reservations. I cannot chase the Bogano Vault from my mind. Its vision shaped the direction of an entire culture. I must understand why. यहाँ पे कुछ करना है गाइस। ये ना बहुत मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। इसको करना क्या? I don't know. पे अगर मैं फोर्स चला रहा हूं ना तो अंदर जो भी रोटेट हो रहा है वो रुक जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। एंड बाहर मैं कहीं तो पहुंच रहा हूं इस लिफ्ट के अंदर। पहुंच गया। I'm in the tomb. It's massive. And the empire? No sign of them down here. What about Cordova? Still not sure what I'm supposed to find. He's a little eccentric. Tell me about it. तो गाइस कैल ने भी वही कहा है, उसे भी नहीं पता है कि यहाँ पे ढूंढना क्या है। ये क्या है? मुझे लगा किसी टाइप का स्विच है ये, बट नो। रास्ता सामने से दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर मिलेगा गाइस। ये क्या है? पीछे ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है भाई ऐसे गंदे तरीके से? छोड़ो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। अजीबो गरीब एलियंस मिलने वाले। ऑफ कोर्स एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे इंपीरियल आर्मी नहीं है, तो जो भी फाइंडिंग्स मुझे मिलेगी ना भाई वो अपने तक ही सीक्रेट रहने वाली है। एक और है यहाँ पे, इसको तो लगा ही था मुझे, ये ना फट जाता है भाई अटैक करने के बाद ही। एक और है यहाँ पे, बिना मारे मैं निकल रहा हूँ। ज़्यादा पास आएगा ना मुझे ऐसे लग रहा है फट जाएगा ये। लेट्स रन अवे। बच गया यार। आई थिंक इट्स अ वॉल रन। यस, अबे बचा। वो लिटरली स्लाइडिंग पोजीशंस भी उन लोगों ने लगाए थे, वो प्लांट्स, एलियन प्लांट्स। यार ये वही ऑब्जेक्ट है ना मिस्टीरियस वाला। इसको करना क्या है? यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है। लेट्स गो। ओ, मैंने ना ये डोर ओपन किया गाइस, तो यहां से ना तेज हवा निकलने लगी जिससे ना वो ऑब्जेक्ट मूव हो गया। मुझे शायद ना हिंट आ रही कि करना क्या है। वो जो मिस्टीरियस सा बॉल है ना उसको यहाँ पे सेंटर में लेके आना है।
और कुछ है क्या यहाँ पे? What's this? यहाँ से भी हवा निकल रही है, ठीक है, एंड यहाँ से भी। तो अब बॉल कहाँ जाएगा? मैंने तीनों वॉल्स ओपन कर दिए गाइस, जहाँ से ना तेज स्टॉर्म की हवा अंदर आ रही है, बट वो जो बॉल है वो सेंटर पे नहीं पहुंच रहा है। One second. एक काम करते हैं, इसको ना सही डायरेक्शन में पहुंचाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसे बंद किया जाए। रुको भाई, करके तो रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, समझ में आ चुका है मुझे, बस डायरेक्शन सही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। ये हवा कहां से आ रही है? इस तरफ से। ओके, हाँ, ठीक है, आया, यहाँ पे आया, ठीक है, गॉट इट। यहाँ से मुझे पुश करना पड़ेगा सामने की तरफ, राइट? यस, ये गया सामने की तरफ एंड बंद, ठीक है, और वहां पहुंचा। अब मुझे यहाँ से एयर फ्लो स्टार्ट करना पड़ेगा एंड इस स्पीयर को ना अपने फोर्स से रोक देना पड़ेगा ताकि ये सेंटर पे आ जाए। बस, बंद। नाइस, आया ना सेंटर पे। अबे ज्यादा दूर चला गया यार, कोई बात नहीं, ठीक है। That's it. रुक जा बेटा, तू हिल मत, अब सेंटर वाली एयर। जा, सामने जा। अबे ये क्या बदतमीजी हुई यार, यहां से गया, जस्ट साइड से गया, पर ठीक है, मुझे समझ में आ गया करना क्या है, अब मुश्किल नहीं होने वाला है। लेट्स गो फॉर इट। कम ऑन, यस भाई, ये क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? तेज हवा जो आ रही थी ना वो रुक गई है, बट आई डोंट नो करना क्या है। कुछ सीक्रेट, ओ यहां पे नीचे कुछ अनलॉक हुआ है। These were used in Zephyr meditation rituals. One out of three force essence acquired. ठीक है, ये एक अपग्रेड मिला है मुझे कुछ खास तरीके का। स्किल पॉइंट भी मिल गया, बढ़िया है। एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, इसके साथ भी ना भाई, कहीं पे तो इसको लेके जाना पड़ेगा सही पोजीशन पे। ठीक है, यहां पे एक स्विच दिखाई दे रहा है, लेट्स गो फॉर इट, पता चल जाएगा। ये ना ऊपर किसी रस्सी से बंधा हुआ है, तो अगर मैंने अब ये बंद कर दिया तो क्या होगा? ये स्विंग कर रहा है, ओके, समझा मैं क्या करना है। यहां पे ना क्लाइंब करने के लिए रास्ता दिया हुआ है। काफी ऊपर चला गया यार, यहां पे जंप नहीं कर पाऊंगा, एक और टर्न आने देते, इसको वापस मोमेंटम पे पहुंचाते हैं। बिकॉज इस तरीके के जो पजल्स होते हैं ना गाइज, उसमें ना सोच के ही काम करना पड़ता है। नाइस वन, ये वही बात। नीचे एक और दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक ना बस पजल सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। दो स्किल पॉइंट्स आ चुके हैं, लेट्स सी क्या अच्छा है यहां पे अपग्रेड करने के लिए।
होल्डिंग स्लो अलाउज कैल टू स्लो हिज टारगेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. इसकी जरूरत नहीं है. कैल्स डिफेंसेस आर इंप्रूव्ड, ये सही लग रहा है, बट इसको एक ही स्किल पॉइंट चाहिए एंड इसे भी एक ही स्किल पॉइंट चाहिए. इसमें ना गाइज, लेकिन मैं स्प्रिंट करके एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर सकता हूं, तो ये ले लेता है. एंड अभी के लिए एक पॉइंट रहने देते हैं. अभी भी एक सही बैलेंस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है. ऐसा नहीं कि भाई जितने स्किल पॉइंट्स आ रहे बस खत्म करते जा रहा हूं. ठीक है, लेट्स सी अब यहां पे क्या पजल है. यहां पे एक स्विच दिया है, एक स्फीयर दिया है, एंड यहां से सीधा वो इसके अंदर ही जाने वाला आई थिंक. लेट्स ट्राई. ठीक है, ये इसके अंदर गया एंड यहां से दो प्लेटफॉर्म्स ऊपर आ चुके हैं. स्टेप बाय स्टेप, गलती नहीं करना है, बिकॉज इस टाइप के पजल्स में ना यार कंफ्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, यहां से ऊपर है एंड आई होप मैं सही जा रहा हूं स्ट्रेट. सामने भी एक एम्प्टी लोकेशन दिखाई दे रहा है जहां पे एक स्फीयर को मैं फिट कर सकता हूं. राइट साइड में भी है. ठीक है, ऊपर चलते हैं. तो नए स्फीयर्स कहां पे है? एक ही दिख रहा है यार ऑब्जेक्ट तो, बट लोकेशन प्लेस करने के लिए तीन तीन है. वॉल रन एंड नाइस. ये ना गाइस साइड में स्टैचूज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ज़ेफो सिविलाइजेशन के लोग हैं, किसी टाइप के एलियंस. तो 100% मैं सही लोकेशन पे पहुंचा हूं. यहां पे भी हवा चल रही है यार. चलो बचा मैं वो हवा के फ्लो से ना, मैं साइड हो गया था ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ चुका है गाइस कि ये तेज हवा में अगर मैं जंप किया तो लेफ्ट के साइड चला जाऊंगा, तो थोड़ा ना राइट की तरफ आके जंप करता हूं. नाइस. अब किस तरफ हवा चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सीधा कूदने वाला हूं. अबे बच गया, बच गया. नाइस, बढ़िया यार. फिजिक्स मैकेनिक्स बहुत सही लगाए इन लोगों ने, गेम अच्छा डेवलप किया है भाई. यहां पे तो भर भर के ये लोग, ये नहीं होना चाहिए था. इसी बदतमीजी के लिए इन लोगों ने वो ट्रैप्स लगाया हुआ है, बट अच्छा हुआ यहीं से स्टार्ट हो गया, नहीं तो यार बहुत डर गया था मैं, काफी पिछले तरीके से स्टार्ट होता. बट वन मोर स्विच ओवर हियर. दिस लाइटसेबर कांट सॉल्व एवरीथिंग. ओ सही, वो तेज हवा से ना ये लोग उड़ उड़ के गिर रहे. कुछ दिखाई दे रहा है. नाइस, यहां पे एक हिडन रास्ता है, सेफ पॉइंट. सही है, मेडिकेट्स फुल है एंड स्किल पॉइंट्स यूज नहीं करने हैं. इसको अटैक करके ना बस क्लोज रेंज से भाग जाना है. तेज हवा से ये लोग उड़ जा रहे हैं. चलो कूद के देखते हैं. हाँ लगाई था. सामने कुछ है, सामने कुछ. अबे अरे भट्टा, क्या ये? इसको स्लो करके अटैक करेंगे. हाँ वो बस 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 खतरनाक है जो भी है ना. अरे सही गाइस, देखा क्या हुआ? वो ना वो खतरनाक फटने हुए प्लांट्स के सामने चला गया एंड खुद ब खुद उड़ गया. ये बहुत सही था. इसका नाम है टूम गार्डियन,
when glowing power core may be removed with external force. ठीक है, इसकी वीकनेस पता चल चुकी है. Got it. ऊपर जाना है. यहाँ पे एक और स्विच है. पता नहीं यार कितने सारे स्विचेस को मैं ओपन कर रहा हूं. बट दिस थिंग लुक्स राइट, लेट्स गो फॉर इट. एक और पुश, वन मोर पुश. पकड़ ले यार, क्यों नहीं पकड़ रहा ये. नाइस, देख रहे हो गाइस कैसे हिडन रास्ते है. अगर सही से स्टेप बाय स्टेप अगर ना चले ना तो आराम से कोई भी भटक सकता है यहाँ पे. बीडी वन को कुछ दिखा है, लेट्स स्कैम. गुड जॉब. एंशिएंट स्टैचूज, ठीक है कुछ काम करनी है. ये क्या है भाई, ये रेड रेड क्यों ग्लो करता है पता नहीं. यहाँ पे कुछ तो करना है. एक बार मैप देख लेता हूँ यार. हाँ सही जा रहा हूँ. वापस एक इल्यूजन गाइज. लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था ना तो वॉल रन अनलॉक हुआ था. बच के जाना है, बच के जाना है. ये क्या बदतमीजी हुई यार, जहां जहां मैं जा रहा हूं पत्थर उड़ के वहीं आ रहा है. ठीक है, फ्लैशबैक गाइज वंस अगेन. मतलब एक और सुपर पावर अनलॉक होने वाली है. The force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. What stands in the way becomes the way. Now, try again. Push the ball towards the target. ठीक है. तो क्याल ना गाइस वापस अपने फ्लैशबैक में आ चुका है, जहां पे ना जारो टपाल उसका मास्टर सिखाता है उसको अलग अलग स्किल्स. तो इस बार ना मेरी एक नई फोर्स की पावर अनलॉक हुई है जो कि है पुश. फास्टर नाउ, कंप्लीट द टेस्ट. लेट्स गो, चल. अबे ये क्या था. ठीक है, थोड़ा सा पहले दबाना होता है ताकि वो ना स्टैंस ले सकता है पुश करने का. देयर वी गो. स्टैंस इन द वे बिकम्स द वे. पुश गाइस अनलॉक हो चुकी है न्यू फोर्स की पावर. नाइस. अभी तक ना मैं खाली स्लो डाउन कर सकता था टाइम, बट अभी मैं चीजों को पुश भी कर सकता हूं. माय फ्रेंड, टेक अ लुक एट द डिटेल ऑन दिस पार्क, द डिस्टिंक्टिव स्ट्राइएशंस. इट कैन ओनली बी अ रोशर ट्री फ्रॉम कशिक. इट्स टाइम टू कॉल ऑन एन ओल्ड फ्रेंड. इफ दिस एफओ हैड कांटेक्ट विद कशिक, देयर इज अ गुड चांस चीफटेन टाफल विल नो अबाउट इट. इनो कार्डोवा का ना एक रिकॉर्डेड मैसेज यहाँ पे अनलॉक तो हुआ है. एंड उसने ना ये चीज देख के बोली ये किसी टाइप का एक ट्री है. क्या हुआ, क्या हुआ, कौन है, किधर. अबे तेरी तो देखो शांति नहीं है क्या भाई. कमॉन कमॉन बॉय. अबे नहीं, राइट हो गया, भाग. हाँ सही दिया, पकड़ के इसको. बीडी वन कुछ तो दिखा रहा है. हील रैम्स सैक्रोफैगस, ठीक है. हाँ तो मैं कह रहा था गाइस ये ना किसी टाइप का एक पेड़ है, देख रहे हो कितना बड़ा ट्री है. एंड इनो कॉर्डोवा के रिकॉर्डिंग के दौरान ना यार उसने कुछ तो नए नाम लिए, शायद से चीफ टेन टारफुल, आई एम नॉट श्योर.
सीक्रेट रास्ता इज इट? डेस्टिनेशन अनलॉक्ड, कशीक. यस, कशीक शायद मुझे लग रहा है गाइस एक न्यू प्लैनेट हो सकता है. एंड इनो कॉर्डोवा ने ना कशीक भी नाम लिया था. यहां से अब जाने का रास्ता कहां है? ओके, तो गाइस क्लियरली ना मुझे एक और स्फीयर की जरूरत पड़ने वाली है. एंड एक ना मुझे सामने दिखाई दे रहा है, बट वो ना एक रस्सी से लटका हुआ यार. उसको फ्री कैसे करूं? आई डोंट नो, बट वी नीड टू डू समथिंग. फोर्स की पावर को अगर मैं यूज करूं तो इसको स्विंग करवा सकता हूं. एंड स्विंग करा के आई थिंक मुझे इसको सामने की तरफ पुश करना है. एक बार ट्राई करता हूं. यहां पे ना इसको होल्ड एंड पुश. निकला 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 भाई, एक और ऑब्जेक्ट निकल चुका है. बट इसको अभी भी बाहर निकालने के लिए. यस यस, तो आई हैव गॉट दिस सेकेंड बॉल गाइस. एंड अब इसे प्लेस करना होगा मुझे सेकेंड वाली होल की तरफ. कम ऑन, यहां पे लेफ्ट की तरफ आजा. देयर वी गो. ये प्लेटफॉर्म ना ऊपर चला गया है. एंड यहां से ना एक तेज हवा का फ्लो स्टार्ट हो चुका है. तो इस हवा के अच्छा यहां पे भी कुछ तो अनलॉक हो गया है. एक सीक्रेट रास्ता. मुझे अब बस इस ज़ेफो टूम से ना बाहर निकलना है एंड वापस अपने स्पेसशिप तक जाना है. बिकॉज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रिवील हो चुका है. वो है कि कशीक नाम की लोकेशन पे पहुंचना है एंड वहां पे चीफ टेन टारफुल नाम के बंदे से मिलना है. बट उसके पहले यहां से एस्केप करना है तो ये पजल सॉल्व करना होगा. एक और बॉल फ्री हो चुका है यहां पे. बट इसे फिट करना कहां है? इसे फिट करना है हवा जहां से निकल रही वहां पे. चल भाग यहां से. आएगा अभी यहां से घूम के आएगा ना. हाँ, घूम के आके आई थिंक वहां ऊपर कुछ है क्या? राइट, यहां पे भी है कुछ लेकिन यहां पे स्विच नहीं है. ओ वो रहा, सामने सामने सामने. यस, ओए ओए ओए, आराम से यही प्लेटफॉर्म ऊपर आने लग गया. अब इससे हुआ क्या है? यहां से हवा स्टार्ट हो गई है तो मुझे ना एक और स्फीयर की जरूरत पड़ेगी. मतलब एग्जिस्टिंग स्फीयर उठा सकता हूं क्या गाइस? पता नहीं, एक बार ये रास्ता एक्सप्लोर कर लेता हूं उसके बाद पता करते हैं. मैं तो एंट्री पे आ गया हूं यहां से. इस स्फीयर को मैं पुश करते करते ऊपर तो नहीं लेके जा सकता. दिस इज नॉट द राइट मूव. एक काम करता हूं, एग्जिस्टिंग जो स्फीयर है ना उसे पुश करके यहां पे लेके आता हूं. ये वाला, बिकॉज अब मुझे ऊपर जाने की जरूरत तो आई डोंट थिंक है. ठीक है, देखते क्या होता है. चल, ये सेकेंड बॉल ऊपर की तरफ. यस, एंड वो गया पीछे से, उड़ के जाएगा. नाइस, नहीं एक सेकेंड,
ये तो गोल गोल घूमने लग गया यार, मुझे इसे रोकना है। रोक के इसे यहां पे प्लेस करना है। लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गेट रेडी। अब आने वाला है खतरनाक स्पीड में ये। ओ नाइस भाई, तगड़ा पजल, तगड़ा पजल। आई डोंट नो अभी भी सॉल्व हुआ है कि नहीं, बट काफी कूल पजल है ये। इसे क्या करना है? इसी लिफ्ट से मैं आया था बाय द वे। फाइनली क्या हुआ? ओह गाइस, मैं वापस ऊपर की तरफ निकल रहा हूं। Cordova mentioned someone named Tarful. A Wookiee chieftain. They were old friends. Think he's still around? There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. करेक्ट। तो जैसे कि मैंने कहा गाइस, नेक्स्ट लोकेशन होने वाला है कशीक, एंड मेरे हिसाब से कशीक एक और न्यू प्लैनेट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट क्लू मिला है ना, वो किसी टाइप के ट्री के बारे में है, एंड वो ट्री ना शायद से कशीक के प्लैनेट पे मिलता है। बट ये वाला पजल काफी कूल था यार, मजा आ गया। जिस लिफ्ट से मैं नीचे आया था ना, उसी को वापस ऑपरेट करवाने के लिए भाई सारे के सारे स्फीयर्स को सही लोकेशंस पे प्लेस करना था एंड ऊपर आना था। आई डोंट थिंक यार ये कोई इंपीरियल आर्मी का स्टॉर्म ट्रूपर कर पाता। वैसे वो लोग यहाँ पे पहुंचे भी नहीं थे, बट पहुंचते भी तो यार वो लोग बस गार्ड करते रहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अब लेट मी सी मैंटिस स्पेसशिप किस तरफ है। पूरा घूम के आउटसाइड की तरफ निकलना है, एंड अब ना बहुत सारे ट्रूप्स मुझे ऑलरेडी नीचे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स गो। वी जस्ट ओपन द वे फॉर द एम्पायर। ये क्या हुआ? रॉकेट लॉन्चर लेके ना, अबे एक और। मैं बोलने वाला था कि रॉकेट लॉन्चर लेके ना, कहां देख रहा है पता नहीं। नाइस, पहले तो इन लोग को ही उड़ाना रहता है, बाकी सब तो चलो चोमू चोमू लो। अच्छा एक और है, पहले ना यार रॉकेट लॉन्चर वाले को मुझे उड़ाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी लोगों को देख लूंगा बाद में। Come on bro, let's go for it. हाँ। अबे यार सामने पड़ा है, तेरी तो मुंह के सामने रिलोड कर रहा है बदतमीज। और एक है, और एक है, कहाँ है? नाइस, फोर्स की पावर यूज करके उसी के ऊपर रिकॉइल करवा दिया। डन। अबे ये क्या आ गया अब? व्हाट्स दिस? जो भी था टाटा बाय बाय, निकल रहा हूं मैं यहां से आगे। We just can't stop him. We can't lose, can we?
बढ़िया आई थिंक आई कैन यस ब्रेक दिस Wasn't expecting this. It's a giant Zepho statue. Kind of thought there would be Zepho stuff inside. ये क्या है? Scomplink? Yeah, you're right. I think I could replace yours with this. Let's get you fixed up. Cal कुछ ना BD1 के अंदर fix कर रहा है. I'm not sure क्या. Scomplink कुछ तो बोला ऐसा. BD1 काफी खुश होता है यार. Wanna try it out? Scomplink, हाँ वही था. Slice panels to access new areas. Oh, बढ़िया यार. एक और है सामने बदतमीजी कर रहा है. One more. Scomplink. Two. ठीक है वॉलर. Yep. अरे भाई ये तो खतरनाक ट्रैप्स है. ठीक है इसी के अंदर से जाना है. वेरीफाई कर रहा था बस. वंस अगेन बस लेट्स गो फॉर इट. अरे यार थोड़ा तो शर्म कर ले यार. नाइस एक और स्कॉम्प्लिंक एंड जिपलाइन. अरे यार आजा चला चला चला. You won't get me. Your guard is pretty solid. हो गया. यहाँ जाना है कि नहीं जाना है? आई डोंट थिंक यहाँ जाना है गाइस. एक सेकंड मैप थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है. यहाँ से नीचे उतर के आई कांट गो. आई थिंक पीछे से ही रास्ता था. हाँ यहाँ से नहीं जाना है. BD1. यहाँ से गोल घूमते हुए जाऊंगा फिर नीचे उतर के मेरा ऑब्जेक्टिव है सामने की तरफ. करेक्ट तो मुझे जाना यहीं से पड़ेगा. यही सही रास्ता है. नाइस सेव पॉइंट भी आ चुका है. सही है. तो गाइज आई थिंक आज के एपिसोड के लिए ना यहीं पे हम लोग रोकते हैं. यहाँ से जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो काफी कूल होने वाला है बिकॉज एक न्यू प्लैनेट कशीक पे मुझे पहुंचना है. तो यहाँ से गाइज लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अगर सीरीज अच्छी लग रही तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. मिलते वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए वंस अगेन बाय एंड टेक केयर.